कारुण को ना तो हिताय सब पाणी ना पूरे तो पारमी सब पाप तो संबोधि उत्तम इमेन सच्च वचेन होतवे जय मंगल जयंतो बोधिया मूले सज्ञानं नंदवर्धनो इत्तं प्रियं जयो तु जय सो जय मंगलं रत्नं औषधं उत्तं वरं हितं देव मनोसानं बोध तेजेन सोतिना ना संतु पदवासा वेदो का भूप समेतु ते साकत्वादम रत्नम औषधम उत्तम वरम परिलाओ पसमनम धाम तेजे न सोतिना ना संतु पदवासा वेदया भूप समेतु ते सकत्वा संगरतनं ओषधं उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेयं संगतेजेन सोतिना ना संतो पदवा सभे उपसमेन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविदाभूतो रत्नंग बोध समग्नाते तस्मा सोते भवन्तु मे यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविदाभूतो रत्नंग धम्म समग्नाते तस्मा सोते भवन्तु मे यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविदाभूतो रत्नं संग समंगनाते तस्मा सोते भवन्तु मे शरणं गयं बोधो मे शरणं वरं एतेन सच वचेन होतु मे जय मंगलं नाति मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच वचेन होतु मे जय मंगलं। ये महामंगल गाथा का पाठ है, संतोष कुमार जी ठेकेदार हैं यहाँ देवी गांव में, जहाँ से उनके सभीतियो विवाजन तो सब रोगो विनाशतो महाते भवतंतरायो सुखी दीर्घायको भव भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब भूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते नखत्वयकभूतानं पापगहं निवारणा परितस्सानुभावेन होन्तु सबे उपद्रवे यं दोन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुणस साधो पापगहो दुःसुपिण्डं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यं दोन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुणस साधो पापगहो दुःसुपिण्डं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं दोन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो सकुणस साधो पापगहो दुःसुपिण्डं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु साधु साधु साधु।